हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, यहाँ पे दो लैपटॉप है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ दो लैपटॉप की कनेक्टिविटी। यानी कि दोस्तों, अगर खुद को कंप्यूटर इंजीनियर समझते हैं, खुद को कंप्यूटर का एक्सपर्ट समझते हैं, तो दोस्तों आप किसी की भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी की भी डेटा को देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। दोस्तों इस एक्टिविटी से आप किसी के लैपटॉप को ठीक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई स्टूडेंट है, आपका कोई विक्टिम है, आपका कोई क्लाइंट है जिसकी लैपटॉप पे प्रॉब्लम आ गई, तो उसके पास आप नहीं जा सकते, तो आप उसकी डिस्प्ले अपनी कंप्यूटर पे ले करके और आप जहां पे होंगे वहीं से उसकी कंप्यूटर को ठीक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए आपके नहीं लगने वाले। साथ ही साथ कोई फाइल ट्रांसफर वगैरह करना हो, लेना हो, देना हो तो भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको और आपके विक्टिम को दोनों को एक नेटवर्क में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि जिसकी लैपटॉप आप लेना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसकी कंप्यूटर आप ठीक करना चाह रहे हैं, वो बंदा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के डिस्प्ले ले सकते हैं और एक दूसरे की सारी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे करेंगे ये सारी चीजें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कैसे करेंगे तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने डिस्प्ले पे देखा होगा, दो लैपटॉप हमारे पास, लैपटॉप नंबर वन, लैपटॉप नंबर टू। तो दोस्तों इन दोनों की कनेक्टिविटी करके मैं दिखाऊंगा, इसकी डिस्प्ले इस पे लेके दिखाऊंगा और इसकी डिस्प्ले इस पे लेके दिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों एक दूसरे के डिस्प्ले को ले सकते हैं, उसके बाद फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी सिस्टम को, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है टीम व्यूअर, आपको मिल जाता है एनी डेस्क वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो टीम व्यूअर जो है वो आपको कुछ ही टाइम के लिए मिलता है और उसको अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो आपको प्रो वर्जन लेने के लिए बोलता है, अदरवाइज आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, एक्सपायर एक्सपायर सेशन एक्सपायर ऐसे करके लिखता है और वहाँ पे आपको पासवर्ड भी इनपुट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यूजर आईडी डालेंगे और आप किसी की भी डिस्प्ले को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मेरा पीसी नंबर वन पे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, यानी एनी डेस्क सॉफ्टवेयर है। शायद आपको क्लीन नहीं दिख रहा हो क्योंकि कैमरा थोड़ा सा ब्लोइंग हो रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे एनी डेस्क सॉफ्टवेयर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनी डेस्क जो सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसमें इंस्टॉल कुछ नहीं करना होता है, बस इसे डाउनलोड करना होता है। फिर हम पीसी नंबर टू पे आते हैं, लैपटॉप नंबर टू, और यहाँ पे देखेंगे एनी डेस्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। और इसे कैसे हमने डाउनलोड किया है ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एनी डेस्क है, यहाँ पे हमने इसे डाउनलोड किया है। तो सिंपल आपको गूगल ओपन करना है दोस्तों, गूगल ओपन करके आपको इसको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल ओपन किया था और बैक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे गूगल पे मैंने टाइप किया है एनी डेस्क और सबसे ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनी डेस्क रिमोट कंट्रोल, मैंने इस पर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद ऐसी वेबसाइट मेरे पास ओपन होती है और यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सिंपल वे में इसे डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर आ जाता है डिस्प्ले पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि दोनों लैपटॉप पे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो हम दोनों लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। मैंने इस पे ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसकी आईडी मिल गई। अब हम बात करते हैं इस वाले लैपटॉप की, तो यहाँ पे भी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसकी भी आईडी मिल गई है। अब दोस्तों ये पीसी नंबर वन को मैं इस पे लेके दिखाता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे रिमोट डेस्क जो लिख रहा है यहाँ पे आपको डालना होता है, जिस पीसी को कंट्रोल करना है, लेना है, एक्सेस करना है, उसकी आईडी को यहाँ डालना पड़ेगा। इसी टाइप की आईडी होगी, तो इसकी तो आईडी ये हो गई, यानी कि 8040546 79, ये है हमारी दूसरी नंबर कंप्यूटर। और फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो इसकी आईडी जो हमारी है वो है 7692321 16, तो यही आईडी 769 मुझे इसमें डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी मेरा आईडी है, यानी फर्स्ट नंबर सिस्टम की मेरा आईडी जो है वो है 7692321 16। देखेंगे दोस्तों मैंने वही आईडी यहाँ पे डाल दिया है पीसी नंबर टू पे, यानी पीसी नंबर वन की आईडी यहाँ पे, ये भी आईडी मैच कर लेंगे आप।
और कुछ नहीं करना, बस आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपल नीचे क्लिक करना है, यानी कि कनेक्ट पे। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट लिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कनेक्टिंग लिख रहा है, और कनेक्टिंग लिखने के बाद कुछ डिस्प्ले पे आपका परमिशन मांगेगा, तो उस परमिशन को आपको दे देना है। तो दोस्तों आते हैं फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर सिस्टम पे यहाँ पे दिखा दिया गया कि डिजिटल बिहार के नाम से कोई सिस्टम है जो आपके सिस्टम को एक्सेप्ट करवाना चाह रहा है, यानी लेना चाह रहा है, अपने डिस्प्ले आपकी लेना चाह रहा है। अच्छा, जैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी ये ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, हमारी जो फर्स्ट नंबर की कंप्यूटर है सेकंड नंबर पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखेंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे कनेक्शन यहाँ पे लिख रहा है, देखेंगे। और कनेक्शन लिखने के बाद यहाँ पे प्रॉपर आ गया है, डिजिटल बिहार लिख रहा है, और देखेंगे कि फर्स्ट नंबर सिस्टम मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे जो ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम की डिस्प्ले अब हमारी इस सिस्टम पे भी आ गई है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखेंगे नीचे अगर मैं कर देता हूँ तो ये हमारा सिस्टम का डिस्प्ले है, और अभी जो हमने एक्सेस किया है सिस्टम नंबर 1 को, तो ये उसका डिस्प्ले है। अब देखेंगे दोस्तों, यही से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उस वाले पीसी को। यहाँ पे आप देखेंगे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे माउस पैड चलाऊंगा और दोनों ही सिस्टम यहाँ से ऑपरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ओपन किया, तो देखेंगे दोस्तों दोनों जगह कंप्यूटर वही ओपन हो रहा है। मैं कोई फाइल ओपन कर देता हूँ, मैं इस फाइल को ओपन कर दूंगा, तो दोनों वही पे ओपन हो जाएगा। तो ऐसे करके यानी कि आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इसे मैं कट कर देता हूँ। मान लिया कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है, कोई ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आ गई है, मान लिया कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पे क्लिक किया मैं, तो देखेंगे दोनों ही सिस्टम पे क्लिक हो रहा है, और मैं माउस इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, और यहीं पे मैं टाइप कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल CTRL। यहाँ पे देखेंगे कि यही वाला कीबोर्ड काम कर रहा है दोनों जगह, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोनों जगह कंट्रोल पैनल ओपन हो गए। ऐसे करके आप कंट्रोल पैनल भी देख सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप इस पीसी को कंट्रोल कर लेंगे, फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे मजे की बात यह भी है कि आप चाहे तो उसका गाना भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी प्ले कर सकते हैं, और दोनों ही सिस्टम में बजेगा वो। लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं करने वाला, क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप किसी भी कंप्यूटर को घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी डिस्प्ले को ले सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल दोस्तों कोई एक फाइल है जो कि मैं यहां से कॉपी करना चाह रहा हूं अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं मान लिया ओपन किया इस डेस्कटॉप को, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मान लिया ये यूट्यूब का एक फाइल है, मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो कॉपी करने के लिए कॉपी पे गया और कॉपी कर लिया, और अपने डिस्प्ले पे जो मेरा ओरिजिनल डिस्प्ले पे यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो देखेंगे मैं पेस्ट कर दिया तो वो यहाँ पे आ गया। यानी कि दोस्तों डेटा भी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि जिसका एक्सेस आपने लिया है उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसका डेटा को खुद चुन चुन के आप अपने डिस्प्ले पे अपने कंप्यूटर के अंदर भर सकते हैं। क्योंकि पीछे वाला जो स्क्रीन है ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है, और ये वाला जो स्क्रीन है ये हमारा पीसी नंबर 1 की स्क्रीन है। तो ऐसे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं एनी डेस्क दोनों पे ओपन कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कि पीसी नंबर 2 को पीसी नंबर 1 पे लेने के लिए, तो देखेंगे पीसी नंबर 2 पे क्या है। सिंपल वही फंडा अपनाना है, यानी पीसी नंबर 2 का जो है यूजर नेम है 8040546 उसे डाल देना है रिमोट डेस्क में। यहाँ पे इसका आईडी जो था 8040546 उसके बाद सिंपल वैसे ही आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखेंगे वैसे ही कनेक्टिंग लिख रहा है, और कनेक्टिंग लिखने के बाद देखेंगे अब इस वाले पीसी पे वैसे ही परमिशन मांग रहा है जैसे उस टाइम मांगा था। यहाँ पे देखेंगे जो बंदा कनेक्ट करना चाह रहा है इस डिस्प्ले को, उसका नाम आ गया यानी खान, और इसका आईडी भी यहाँ पे आ गई है। अगर आपको चाहिए रिमोट देना है उसको, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने किया था पिछली बार, देखेंगे इस पे डिस्प्ले आ जाएगा। मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो है कनेक्टिंग लिखना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो आ गई है प्रॉपर, कि डिस्प्ले मेरे पास यहाँ पे मिल गई। फिर वैसे ही मैं कंट्रोल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा माउस पैड है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, तो देखेंगे दोनों जगह कंप्यूटर ओपन होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैक कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल पैनल ओपन करना है, मान लिया सेटिंग करने के लिए, तो मैं कंट्रोल पैनल डालूंगा इस वाले सिस्टम पे। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन करूँगा, और यहाँ पे करते ही कंट्रोल पैनल दोनों जगह ओपन हो जाएगा। यानी ऐसे करके आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी किसी भी सिस्टम को, और किसी भी क्लाइंट के सिस्टम को बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, और बहुत ज़्यादा कंपनियों में ये यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनी अपनी प्रोडक्ट सेल करती है जहाँ से ऑनलाइन ही सपोर्ट करती है, और इसे ऑनलाइन सपोर्ट भी बोलते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप किसी भी सिस्टम की डिस्प्ले ले सकते हैं और उस सिस्टम को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना दोस्तों, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल डिजिटल वीआर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, ऐसे ही मत चले जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।